बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फिडल बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक सोल्व करेंगे, वो ये है। इसमें इक्वेशन ऑफ द सर्किल मैंने आपको बता दी थी। आज हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इजिकल टू कॉस टू एक्स, यानी ये दो प्रूफ करने हैं। तो हाल फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। ये वाला आप खुद ही सोल्व कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझे क्वेश्चन कर दें। ये वाला बहुत आसान है, ये दोनों ही आसान है, लेकिन ये वाला मैं आपको थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। असल में क्या होता है कि हम पहले पढ़ के आए हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इजिकल टू किसके बराबर होता है, वन अपॉन टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे साइन एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, वन अपॉन टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दूँ। अगर इस तरीके से सोल्व करूँगा तो साइन एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक फार्मूला बताए। वो फार्मूला क्या है, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू वन के बराबर है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि किसी की भी जो है ना वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे कॉस एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूँगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू वन के बराबर है। तो अब ये साइन स्क्वायर एक्स इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर साइन एच स्क्वायर एक्स के बराबर। अब क्या है कि कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू वन प्लस साइन की वैल्यू हमने अभी आपको मैंने बताई थी कि साइन की वैल्यू क्या, वन अपॉन टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एच वाला है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं ना, साइन थीटा होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं दिया जाता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ना एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा ना साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, हम एच के ऊपर स्क्वायर देंगे। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू वन प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये टू है, टू इसके नीचे आ जाएगा तो ये फोर बन जाएगा, फोर के ऊपर टू के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो फोर बन जाएगा। अब क्या करना है, इसकी एलसीएम लेनी है, तो ये कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू फोर प्लस ई पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। अब इसको फार्मूले के मुताबिक खोलना, ए माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक, तो ये कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू फोर प्लस, इसको फार्मूले के मुताबिक खोल लेंगे, ये ए है, ए की जगह क्या है, ई एक्स ए स्क्वायर माइनस टू ए की जगह ई एक्स, बी की जगह ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब अपॉन फोर, जैसे इसको सोल्व करेंगे आगे, तो कॉस एच स्क्वायर एक्स इजिकल टू ये बन जाएगा फोर प्लस ई पावर टू एक्स, क्योंकि टू मल्टीप्लाई एक्स तो टू एक्स हो जाता है, माइनस, अब यहाँ पर देखें e पावर x और e पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा ये बात याद रखें कि e पावर x मल्टीप्लाई e पावर माइनस एक्स बराबर वन के होती है,
इसके दो रीज़न हैं। एक तो यह है कि एक्स माइनस एक्स हो जाएंगे, पावर आपस में ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ई पावर एक्स माइनस एक्स तो ये बन जाएगा ई पावर ज़ीरो। ई पावर ज़ीरो यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो आ जाता तो वो वन के बराबर हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है, ई पावर एक्स मल्टीप्लाई ये ई पावर माइनस एक्स है तो वन अपान करके हम ई पावर एक्स कर सकते हैं, तो ई पावर एक्स कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो अब इस पूरे का आंसर क्या आएगा, ई पावर एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स तो हमारे पास टू मल्टीप्लाई वन तो टू आएगा, प्लस के ई पावर माइनस टू एक्स होंगे अपान फोर। अब क्या है कि ये माइनस के टू हैं, ये प्लस के फोर है, तो फोर में से टू जाएंगे तो क्या आंसर बनेगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स प्लस टू प्लस ई पावर माइनस एक्स अपान फोर। यह हमारे पास इसका आंसर है। तो ये कॉस एच स्क्वायर एक्स का आंसर मैंने निकाला है, आपको साइन का आंसर निकालना होगा। साइन का भी इसी तरीके से लेंगे, वो क्या लेंगे कि साइन का फार्मूला मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो साइन का फार्मूला क्या बनेगा, साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस, क्योंकि साइन इधर जाएगी वन इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस वन बनेगा। ये साइन का फार्मूला है, आप इस तरीके से इस फार्मूले से क्या करेंगे, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरीके से ये हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट किया ना, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो आप इधर कॉस साइन एच स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से। और दूसरा ये वाला फार्मूला भी सोल्व करेंगे, बुक के ऊपर सोल्व भी किया हुआ है। ये मैंने एक वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ पर बुक वालों ने भी सोल्व कर दी है। ये देखें मैंने कॉस वाली की है, टू ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस टू, ये मैंने अभी सोल्व की है, ये बुक वालों ने साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन के बराबर है, वो भी उन्होंने ये प्रूफ किया है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपस में रखेंगे तो ये आप आसानी से सोल्व हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ई पावर टू एक्स प्लस ई पावर माइनस टू एक्स होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इवन आर ओड, जिसका आंसर माइनस में आता है तो वो ओड हो जाती है, जिसका आंसर आप सोल्व करेंगे प्लस में आएगा तो वो हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर। जिसका आंसर प्लस में आता है, जो आंसर आप निकालते हैं तो वो आपके पास इवन बन जाती है वैल्यू, फंक्शन इवन बन जाता है। जिसका आंसर नेगेटिव आता है तो वो हमारे पास ओड फंक्शंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो जैसे ही उनको सोल्व किया है तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास इवन है। इसको जब माइनस एक्स लगाया, माइनस एक्स लगाने से क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू माइनस की बन जाती है, तो ये हमारे पास ओड फंक्शन है, इधर ओड दे दी है। सेम तरीके से ये साइन वाला भी लगा दिया है तो वो भी हमारे पास क्या है, ओड है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नाइदर इवन नॉर ओड लिखा हुआ है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस का दोनों हो सकते हैं, इनका कोई प्रॉपर हमें पता नहीं चल पा रहा, तो इस वजह से ये दोनों हो सकती हैं या तो दोनों नहीं हो सकती। उसके बाद ये वाले जो दिए हुए हैं फंक्शन, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, ये बहुत आसान है, कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाते तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।